दोस्तों नमस्कार, ललित समाचार में आपका स्वागत है। हरियाणा, पंजाब एंड चंडीगढ़ से श्रद्धालु आने वाले, जैसे कि आप जानते हो कि 9 तारीख को माता के नवरात्र शुरू होने वाले हैं। जो भी संगत श्रद्धालु हरियाणा, पंजाब एंड चंडीगढ़ से आने वाले हैं, उनकी जानकारी के लिए आज हम आपको लेके आए हैं ये पिंजौर बाईपास पे। आगे का रास्ता हम आपके रूबरू करवाते हैं, आओ माता के दरबार चलते हैं। जय माता की। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पिंजौर बाईपास का रास्ता है जो शिमला को चला जाता है, और हम आपको कालका माता के दरबार में दर्शन करवाने के लिए लेके चलते हैं। और ये दूसरी तरफ जो जा रहा है, ये पिंजौर से होके कालका माता के दरबार में रास्ता जाता है। आओ हम धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से हमारा पिंजौर मेन बाजार शुरू हो जाता है, और ये धीरे धीरे कालका की तरफ हम आपको लेके जाते हुए, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, हम आपको तकरीबन सारी जानकारी हम आपको देंगे। धीरे धीरे अब पिंजौर बस स्टैंड पे हम आ गए हैं। ये एक रास्ता बत्ती नालागढ़ को चला जाता है, और हमारी मंजिल बिल्कुल सीधी। हम धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए, भक्तजनों को पूरी जानकारी देते हुए, ये हमारा पिंजौर बस स्टैंड। पिंजौर बस स्टैंड से थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, जहाँ श्राइन बोर्ड लगा हुआ है, काली माता मंदिर, गांधी चौक, और हम आपको लेके जा रहे हैं कालका काली माता के मंदिर। दोस्तों हम अब पहुंच चुके हैं कालका बस स्टैंड के ऊपर, और यहाँ हम पहुंचने वाले हैं माता के दरबार में। धीरे धीरे से हम आपको लेके चल रहे हैं, ताकि हमारे भक्त जनों को रास्ते में कोई दिक्कत ना आए। हमारा पूरी कोशिश होती है कि हम सभी को रास्ते की अच्छी तरह जानकारी दे सकें। दोस्तों यहाँ से कालका मेन बाजार शुरू हो जाता है, और ये सीधा रास्ता माता काली माता मंदिर की तरफ जा रहा है। और हम धीरे धीरे आप अपने मंजिल की तरफ बढ़ते हुए, दोस्तों कालका गांधी चौक में हम पहुंच चुके हैं। पहुंचते पहुंचते ये रास्ता जो साइड से जा रहा है, ये कालका रेलवे स्टेशन को जा रहा है। जो भक्तजन रेलवे से आए, ट्रेन से आते हैं माता के दरबार में, वो गांधी चौक से होकर बिल्कुल सीधा कालका माता के दरबार को रास्ता जाता है। और हम धीरे धीरे आपको माता के दरबार लेकर जा रहे हैं। माता रानी सबकी कामना पूरी करें। गांधी चौक से थोड़ा सा आगे चलकर माता का दरबार, काली माता, हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल। हौसले हो बुलंद तो मंजिल मिल ही जाती है। ये माता का दरबार, एक रास्ता जो सामने जा रहा है, ये परवानू होके शिमला जाता है, और हम माता के दरबार में पहुंच चुके हैं। ये सामने काली माता का मंदिर कालका में। हौसले हो बुलंद तो मंजिल मिल ही जाती है, चलते हैं कदम तो रास्ते बन ही जाते हैं। आखिरकार हम अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। हम आपको माता के अंदर माता जी के दर्शन के लिए लेके चलते हैं। जय माता दी। दुकानें सज चुकी हैं, आप देख रहे हैं कालका प्राचीन श्री काली माता मंदिर कालका। नवरात्रों की तैयारियां जोरों शोरों से, हम धीरे 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 चलते हुए।
और अब हम पहुंच गए माता के दरबार और हम आपको ले चलते हैं दरबार के अंदर, जहां नवरात्रों की पूरी तैयारियां होते हुए माता का दरबार सजा हुआ है। धीरे 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 भंडारा फैला, धीरे धीरे माता के दरबार पहुंच गए हैं। काली माता मंदिर और सामने बिल्कुल माता जी की फोटो लगी हुई है। लोगों में श्रद्धा, बड़े ही प्यार से ये भोलेनाथ जी शिवलिंग लोग श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हुए, बहुत ही प्यार से आराम से अपनी भोलेनाथ की पूजा करते हुए। और अब हम अंदर माता के दरबार में आपको ले चलते हैं। धीरे धीरे जय माता की, जय माता की। ये हम पहुंच चुके हैं मंदिर के अंदर। और ये भक्तजन दरबार में पूजा अर्चना करते हुए, ये आप देख रहे हैं कालका काली माता के मंदिर से ललित समाचार के माध्यम से। हमारी पूरी कोशिश है हम आपको ज्यादा से ज्यादा माता के दर्शन कराएं। और जैसा काली यहाँ पिंडी रूप में विराजमान है आदिकाल से, द्वापर में पांडव लोगों ने प्रथम सेवा की महारानी की, तब से इस स्थान की महत्ता आगे से आगे भक्त लोगों पे जाती रही है। उनको महारानी का आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है, लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती रही हैं, दूर दूर से लोग यहाँ अपनी इच्छाएं मनोकामनाएं लेके आते हैं और महारानी उनकी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी करती है। बोल सच्चे दरबार की जय। अभी हम पंडित जी से इस मंदिर का इतिहास की जानकारी लेते हैं। जय माता की, जय माता की। अभी हम कालका काली माता के मंदिर में माता जी के दर्शन आपको कराए हैं। हम पंडित जी से खास मुलाकात माता जी के इतिहास के बारे में आपको जानकारी देते हैं। आओ हम पंडित जी से बात करते हैं। जय माता दी। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्चादिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्ते। सभी भक्तों को चैत्र नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम श्री सिद्धपीठ काली माता मंदिर कालका में, जो महाकाली यहाँ आदिकाल से ही स्वयंभू प्रकट है, विराजमान है पिंडी रूप में महाकाली यहाँ पे, और द्वापर में अज्ञातवास के समय जब पांडव लोगों ने यहाँ अपना अज्ञातवास बिताया था, तो एक श्यामा नाम की गाय थी जो महारानी की पिंडी को अभिषेक करती थी अपने आप। तब उस समय पांडव लोगों ने स्थान को, महारानी को देखा, उसकी सेवा की, तब महारानी ने प्रसन्न होकर पांडव लोगों को साक्षात दर्शन दिए थे और उनको महाभारत में युद्ध में, महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसमें विजय का वरदान दिया था। तब से प्रथम सेवा पांडव लोगों ने की, उससे जो स्थान है निरंतर आगे से आगे भक्त लोगों की श्रद्धा का, आस्था का विषय है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं भक्तों की।
तो लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं। जय माता की, जय माता की, जय हनुमान जी की मूर्ति मंदिर के अंदर। हम धीरे धीरे अंदर मंदिर का बाबा बालकनाथ जी अंदर मंदिर का आपको दिखाते हुए नजारा। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ लक्ष्मी माता। और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जय माता वैष्णो देवी। ये मंदिर के अंदर की तस्वीरें। माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। धीरे धीरे हम आपको पूरा मंदिर अंदर से दिखाते हुए जय माता की, जय माता की, माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूरी करे, जय माता की। दोस्तों जय माता की। जैसा कि अभी हमने आपको मंदिर के अंदर माता जी के दर्शन कराए हैं, हमारे साथ में पृथ्वीराज जी हैं, तो हमसे खास मुलाकात मंदिर के इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं। सबसे पहले सभी को चैत्र नवरात्रा मेला विक्रमी संवत 2081 नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है कल से, उसकी सबको मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। महामाई की कृपा सब पर सदा बनी रहे। श्री काली माता मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर, पांडवकालीन मंदिर है। माता का जो पिंडी स्वरूप जिसकी हम पूजा आराधना करते हैं, वह स्वयंभू प्रकट हुई हुई माता है। और यहाँ पर अर्जुन जिस समय अज्ञातवास के अंदर यहाँ थे, तो उसने विशेष रूप से यहाँ की साधना की, वहां से विजय की कामना की कि माता हमारे को युद्ध के अंदर विजय दे। और ऐसा मानना है कि भी जब उनको विजय में, युद्ध में विजय मिली, उसी के बाद से उन्होंने यहाँ मंदिर की स्थापना करके पूजा अर्चना की। तो ये एक संक्षिप्त इतिहास जो है ना माता के मंदिर का है। भक्त जन दूर दूर से आकर के माता की सेवा करते हैं, मान्यता मानते हैं। और ऐसी किदवंती है कि महामाई की पूजा अर्चना करने से लोगों को उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और लोग माता के प्रति अपना समर्पण भाव रख करके पूजा अर्चना करते हैं। तो जय माता की, जय माता की। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मैं प्रवीण कुमार, ललित समाचार से।